हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट निकालने की, जिसमें आप कोई भी नंबर सोचो तो उसका स्क्वायर रूट आप इजिली निकाल पाएंगे। पॉइंट वाली वैल्यू निकल कर आती है और बहुत आसानी से निकल कर आती है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे संख्या आ जाती हैं, उनका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ जाता है और वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझे इस ट्रिक को, बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाली है। तो देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लिया, हमने ले लिया 258। ठीक है, 258 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 258 है। अब 258 किसके आसपास आता है ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 258 आता है हमारे पास, 256 है। ठीक है, 256 होता है 16 का। ठीक है, 256 लिख लीजिए और 258 का हमें निकालना है, जबकि हमें 256 का पता है। तो हमें यह पता है कि जो 258 का स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वो 16 के नजदीक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है, तो आप 16 लिख लीजिए। ठीक, अब करना क्या है आपको, 16 लिखने के बाद आपको इस 16 का डबल कर दीजिए। ठीक है, 16 लिखा, इसका डबल कर दीजिए और वो बटे में रख दीजिए, 16 दुनी 32। फिर आप ये देखिए कि 256, ठीक है, 256 और 258 में कितना फर्क है, 256 और 258 में कितना फर्क है, दो का फर्क है। तो आप यहां पर दो रख लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। दो एकम दो 16, 16 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, पॉइंट पर आएगी वैल्यू, पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ जाएगी। तो बता देता हूं आपको, पॉइंट लगाकर जीरो, अभी भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा जीरो लगाकर, 16 6 96, तो ये कितना बन जाएगा, 0.06। तो 16.06 यहां पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, तो 16.06 आपका लगभग में आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमें लेना है 173 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 173 किसके नजदीक है, 169। ठीक है, 169 होता है 13 का, तो ठीक है 13 लिख दीजिए। 13 लिखने के बाद, ठीक है, 13 का डबल करेंगे 26, जैसे कि अभी यहां किया था हमने, 16 का डबल 32। अब ये देखिए 169 173, कितना फर्क है, 4 का फर्क आ रहा है, 4 आप यहां रख ले। ठीक है, 2 × 4 और ये हो गया 13। तो 13 2/13 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, 13 एकम 13। ठीक है, बचेगा 7 13 5 65, तो कितना आ गया, 13.15 आपका आंसर आ जाएगा, 13.15 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में बताइए। इम्परफेक्ट स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है, ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालने का जो भी आपके मन में आए, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की कोई भी वैल्यू आए, तो उसको आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और बता देता हूं, जैसे कि आपकी कोई भी इसमें इस टाइप के स्क्वायर निकलने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, मान लीजिए हमें पूछा जाए 487 का। ठीक है, 487 का स्क्वायर रूट निकालना है, 484 आप जानते हैं, 484, ठीक है, 484 होता है 22 का। ठीक है, तो 22 × 44 जो नंबर रखते हैं उसी का डबल रखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 484 जो 22 का होता है स्क्वायर, उसके और 487 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। क्लियर, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 44 से भाग करेंगे 3 को, दशमलव लगाकर 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाकर 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 7 बार में जाएगा, 7 × 28 7 × 28 दो तीन ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये लगभग 7 भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो सात ही ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी आनी है, 22.07 के लगभग ये आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यूज आती हैं थोड़ी लगभग में आएंगी, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगी, लगभग में आएगी, और इतने से ही हमारा काम भी चल जाता है। ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स में इतनी वैल्यू, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इतनी वैल्यू से आंसर हमारा मैच कर जाएगा, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, तो इतनी बारीक बात नहीं आएगी कि 22.06 और 22.070 इस तरह की वैल्यू आ जाए, दो अलग अलग ऑप्शन आ जाए, तो इतना नहीं होता। ठीक है, तो बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ी सी और आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 328। ठीक है, 328 निकालना, हम जानते हैं 324 को, 324 होता है 18 का, तो 18 रखेंगे, ठीक है, इसका डबल करेंगे, 18 का डबल कितना होगा 36, और 324 जिसको हम जानते हैं उसके और 328 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, कितना बनेगा 18 1/9। ठीक है, तो 18 1/9 को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, 9 एकम 9, ठीक है, फिर एक जीरो, फिर एक, तो 18.11, ठीक है, 9 से भाग करा एक को, पॉइंट लगाकर जीरो, ठीक है, तो 18.11 आंसर यहां पर हमारा बन जाएगा। तो गाइज ये थी, कोई भी ऐसा नंबर अपने माइंड में सोचो, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो, बहुत ही आसान मेथड से। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो है, 4 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इतने से ही आपका काम बन जाना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।